अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा भारती जी जो कर्नाटक में शिवमोगा के अंदर एक नफरत भरे भाषण देकर आई थी, उनकी मुसीबत बढ़ गई है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब उनका बचना बड़ा मुश्किल हो गया है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि भाजपा सरकार ने ही प्रज्ञा ठाकुर, प्रज्ञा भारती, साध्वी प्रज्ञा जो है, जिनका नाम है, जो भोपाल की सांसद है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। और FIR के दर्ज करने के बाद एक और धारा बढ़ा दी है, जिससे मुसीबतें प्रज्ञा भारती जी की बढ़ती ही जा रही हैं और साध्वी प्रज्ञा का बचना मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि लोग कहते थे कि बीजेपी की सरकार जो कर्नाटक में है वो इनको प्रोटेक्शन देगी, उनको बचाएगी, लेकिन अब उसी सरकार ने सीधे तौर के ऊपर उन पर FIR दर्ज कर ली है। इमरान खान है, टाइम्स नाउ के पत्रकार रहे हैं, अभी भी होंगे, उन्होंने इसको ट्वीट किया और लिखा है, ब्रेकिंग, कर्नाटक का बीजेपी गवर्नमेंट रजिस्टर्स FIR अगेंस्ट साध्वी प्रज्ञा सिंह फॉर अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन शिवमोगा। भारत में ब्रेकिंग, कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने FIR दर्ज किया साध्वी प्रज्ञा सिंह के ऊपर, उनके कॉन्ट्रोवर्जियल जो स्टेटमेंट था, जो नफरत भरी स्पीच थी उनकी, जो विवादास्पद, इसको अगर हिंदी में सीधा अनुवाद करेंगे विवादास्पद कहेंगे, विवादास्पद जो स्टेटमेंट था, जो उनका वक्तव्य था शिवमोगा में दिया हुआ, उसके खिलाफ पुलिस ने उनके ऊपर केस दर्ज किया 153A में, एक लोकल कांग्रेस लीडर की कंप्लेन के ऊपर FIR रजिस्टर्ड है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिससे कि अब मुश्किलें मुसीबतें साध्वी प्रज्ञा की बढ़ चुकी हैं। और उन्होंने जो बयान दिया था, मैं आपको उसके बारे में बताना चलता हूं। उन्होंने कहा था कि हिंदू लोग जो है वो अपने घरों के अंदर जो हथियार हैं सब्जी काटने वाले, कम से कम उनको तेज धार कर रखें कि कभी अगर किसी का सर काटना पड़े तो सर भी काटना पड़ जाए अपने बचाव के अंदर, जिसको सीधे तौर के बताया गया था कि ये टारगेट कर रही है मुस्लिम समुदाय के ऊपर और आपस में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रही है, जिसको लेकर लोगों ने कहा था कि ये माहौल खराब करने के प्रयास हैं, नफरत फैलाने के प्रयास हैं, इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, जिसको लेकर FIR दर्ज हुई। इमरान खान ने जिसकी जानकारी दी, पत्रकार हैं, उन्होंने ही पर आगे लिखा, अपडेट 506 ऑल्सो इन्वोक्ड इन द FIR, 506 भी जोड़ी गई है FIR के अंदर। अब बता देता हूं आपको 506 क्या होता है। 506 के बारे में, इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, आपने जानबूझकर अपमानित किया हो इस नियत के साथ कि आपका जो एक्शन है वो वहां का माहौल खराब कर सकता है और वो वहां पर सीधे तौर के ऊपर भड़काऊ हो लोगों के लिए, कि लोग उसके भड़कावे के अंदर आके माहौल खराब कर दें और वहां का जो अमन चैन सुकून शांति है उसको भंग कर दिया जाए। इसके अंदर सजा होती है 2 साल या 2 साल से अधिक और इसके अंदर फाइन भी है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि 506 भी जोड़ दी गई है। जयराम रमेश जी का ट्वीट भी आ गया, उन्होंने भी FIR की कॉपी डाली है और लिखा है कि प्रज्ञा भारती के खिलाफ, प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ, उनके, दिस इज अ पुलिस कंप्लेंट फाइल्ड बाय माय कलीग्स। जयराम रमेश जी पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के कम्युनिकेशन हेड हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं। उन्होंने साफ तौर के ऊपर लिखा है FIR की कॉपी डाल के कि ये एक पुलिस कंप्लेंट है जो मेरे साथियों ने फाइल करी है और जो अभी हाल ही के अंदर नफरत भरा भाषण दिया था, हैबिचुअल ऑफेंडर जो बार बार ये करती हैं, प्रज्ञा ठाकुर ने, ये बीजेपी की सांसद हैं भोपाल से, मैं पुलिस से मांग करता हूं कि एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए कानून के हिसाब से, अगर पुलिस ने इग्नोर किया तो हम सीधे तौर के ऊपर कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर करेंगे, केस दायर करेंगे। और इन्होंने फिर आगे क्लैरिफिकेशन लिखा है कि पुलिस कंप्लेंट शिवमोगा में दायर की गई है। मतलब साफ तौर के ऊपर जयराम रमेश जी ने कह दिया, कांग्रेस का पक्ष आ चुका है, स्टेटमेंट साफ है कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ अगर पुलिस ने बीजेपी की सरकार के प्रेशर में आके या बीजेपी के किसी नेता के प्रेशर में आके या दिल्ली के किसी नेता के प्रेशर में आके कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं करी तो सीधे तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी जाएगी, कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगी, पिटीशन दायर करेगी और साध्वी प्रज्ञा को कानून के हिसाब से सजा दिलवाएगी। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले ये बापू का अपमान कर चुकी हैं, गोडसे को महान बता चुकी हैं, गोडसे के सम्मान के अंदर बातें कर चुकी हैं। ये वो हैं जिनके बारे में मोदी जी ने कहा था, मैं मन से कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन आज तक ये सांसद हैं, इतनी बड़ी संख्या है सांसदों की बीजेपी के पास, पर उसके बाद भी मन से ना माफ करने वाले मोदी जी ने साध्वी प्रज्ञा को कभी भी सांसद के पद से नहीं हटाया या पार्टी से बाहर नहीं निकाला। प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है और ये लिखा है कि
फ्रॉम गोली मारो टू चाकू मारो, सिर्फ नफरत बांटो फॉर बीजेपी लीडर्स। गोली मारो जो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने दंगों के से पहले बयान दिया था दिल्ली में, जिसकी हिंसा भड़क गई थी कि जूते मारो सालों को, गोली मारो सालों को, इस तरह से। तो उन्होंने देखा प्रियंका चतुर्वेदी ने कि गोली मारो से चाकू मारो तक सिर्फ नफरत बांटो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री है, जो अपने आप को नई उमा भारती बनाना चाहती थी, उमा भारती जी के तेवर से तो वैसे ही बीजेपी परेशान है, लेकिन अब इनके एक्शन से ही बीजेपी परेशान दिख रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी पहले ही परेशान है। भाजपा को अब सीधे तौर के ऊपर कर्नाटक में आप दो गुट ने बटा हुआ देख सकते हैं, एक रेस्ट ऑफ इंडिया की भाजपा और एक कर्नाटक की भाजपा। मसला यह है कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, अब कर्नाटक की भाजपा की सरकार में ही बीजेपी की सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, मध्य प्रदेश से आने वाली। वहीं पर कर्नाटक के बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री निरंतर जो महाराष्ट्र की सरकार है बीजेपी गठबंधन की, उसके खिलाफ बयान दे ही रहे हैं, भाषणबाजी दे ही रहे हैं। आमने सामने है कर्नाटक और महाराष्ट्र की बीजेपी, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सदन के अंदर प्रस्ताव पारित हो गया, निंदा प्रस्ताव पारित हो गया, और 856 या 850 से अधिक गांव जो है महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले कर्नाटक के, उनको अपने में लेने की का प्रस्ताव पारित कर दिया। उसके बाद से ही विवाद चल ही रहा है। तो बीजेपी दो हिस्सों के अंदर बटी दिख रही है। क्या कहा है हिंदुस्तान ने, लिखा है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री ने, बीजेपी के कद्दावर नेता बोम्बई साहब ने, वे हमें बांटने की धमकी दे रहे हैं, एक इंच भी नहीं देंगे। महाराष्ट्र के प्रस्ताव पर भड़के कर्नाटक सीएम, साफ तौर के ऊपर महाराष्ट्र की सरकार ने वहां के सदन के अंदर रख के प्रस्ताव पारित किया है, कर्नाटक की बीजेपी की सरकार उसके खिलाफ बयान दे रही है। महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार बीजेपी कर्नाटक की सरकार के खिलाफ बयान दे रही है। बॉर्डर डिस्प्यूट एनबीटी ने लिखा है, नबारा टाइम, मुंबई महाराष्ट्र की है, किसी के बाप की नहीं, कर्नाटक के नेताओं पर बरसे देवेंद्र फडणवीस। अब किस पे बरस रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जी हो, वहां से कर्नाटक के बोम्बई साहब हो, और ऐसे के अंदर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना हो कर्नाटक में, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि वाकई में पहली बार बीजेपी अपनी लाइन एंड लेंथ खो बैठी है, क्या बीजेपी दो फाड़ के अंदर बटी हुई है, क्या भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से ही हो रही है। इन सारे विषयों को लेकर आज बड़ा हंगामा है, और भाजपा के कार्यकर्ता भी कंफ्यूज होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमारी पार्टी की सरकारें अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्रवाई कैसे कर रही हैं और एक दूसरे से कैसे उलझ गई हैं। तो ये अपने आप ही बीजेपी अपने खोदे हुए गड्ढे के अंदर क्या गिर गई है, लोगों का ये सवाल है। सवाल जरूर पूछिएगा, जवाब शायद नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल पूछना आपका फर्ज है। सवाल पूछते रहेंगे तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जितने आपके साथी हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि जितना लोगों तक पहुंच सके वो पहुंचे। फेसबुक पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, और फेसबुक पर भी वीडियो की शेयरिंग जरूर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।